नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं सत्य दर्पण और मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह नायक। मैं दिखाने के लिए लाया हूं आपको रिछारिया का मेला। रिछारिया का मेला सिवनी ज़िले का एक प्रसिद्ध मेला है, जो कहना चाहिए सिवनी ज़िले की पहचान है। ये सिवनी ज़िले के लखना दौन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और ज़िला मुख्यालय सिवनी से लगभग ये 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये धनौरा विकास खंड के अंतर्गत पड़ने वाला मेला है, जो कि ग्राम पंचायत ग्वारी में पड़ता है। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पूरे मेले को सजीव रूप से दिखा रहा हूं। मेरी कोशिश है कि बहुत अच्छे से मैं आपको मेला दिखा सकूं। हो सकता है कि मुझसे कुछ त्रुटियां हों तो आप उन्हें थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बाकी इस मेले के बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेला रिछारिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और रिछारिया बाबा जो यहाँ पर हैं वो योग नारायण श्री विष्णु की मूर्ति है, जो कि पुरातत्व महत्व की है। यहाँ पर मेरे पीछे इनसेट में आप मंदिर देख पा रहे होंगे, तो इस जो मंदिर है ये भगवान श्री विष्णु का योग नारायण स्वरूप का मंदिर है। ये प्रतिमा जो है, ये तालाब हल्का सा घुमा के दिखाइए, इस तालाब से ये प्रतिमा निकली थी और इस प्रतिमा को निकलने का जो समय मैं आपको बता दूँ, ये 1942 में ये प्रतिमा यहाँ से निकली थी। यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी थे देवीलाल झारिया जी, उनको स्वप्न आया था कि यहाँ पर कुछ ऐसा देवी शक्ति यहाँ पर है। इसके आधार पर उन्होंने खुदाई करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई प्रतिमा है। उस प्रतिमा को उनके द्वारा निकलवाया गया और उसकी स्थापना की गई। वो प्रतिमा निकली योग नारायण श्री विष्णु की, जो कि कलचुरीकालीन प्रतीत होती है। लगभग इसका काल अगर बताया जाए तो 9वीं सदी के आसपास का हो सकता है, क्योंकि कलचुरी काल जो है 9वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो उक्त मूर्ति जो है कलचुरीकालीन है। इसी मूर्ति के सम्मान में यहाँ पर लोग पूजा करने आते, अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं। और इन्हीं मन्नतों के सिलसिले के बीच में कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा अर्थात दीपावली के 15 दिन के बाद से यहाँ पर 15 दिवसीय विशाल मेला लगता है। पहले इस मेले का स्वरूप जो है एक दिवसीय मड़ई हुआ करता था, जो कालांतर में बढ़ते बढ़ते 3 दिवसीय, 4 दिवसीय होते हुए आज 15 दिवसीय मेला हो चुका है। इस मेले की खासियत मैं ये बता दूं कि इस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, सभी को ये मेला प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवस्था में आपको ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ इस मेले के बहाने बहुत सारे लोग अपने अपने परिजनों से मिलने के लिए आते हैं। परिजनों से मिलने आने के दौरान जो शादी संबंधों की बात होती है, बच्चे बच्चियों की, वो इस मेले के दौरान हो जाती हैं। आर्थिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता अपितु समीपवर्ती महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों एवं अन्य ज़िले से आए व्यापारियों को यहां पर रोज़गार मुहैया होता है।
इसके साथ मैं बता दूं इसका राजनीतिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक महत्व भी इसका खास रखता बतौर खास है, क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन में राज करना चाहता है उसे इस मेले में अपना योगदान विशेष तौर से देना पड़ता है। जो कि स्थानीय बात करें पंच सरपंच से लेकर अन्य स्थानीय पदों की, तो वही व्यक्ति यहाँ पर प्रशासनिक पद पे जा सकता है, राजनीतिक पद पे जा सकता है, जो इस मेले में अपना विशेष योगदान दे या इसके संवर्धन के लिए अपना योगदान दे। इस प्रकार से इसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार का महत्व है और ये मेला लगातार अपनी गरिमा के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते इस मेले के स्वरूप में आंशिक फेरबदल जरूर हुआ है, लगातार 2 साल तक मेला नहीं लग पाया है। मेला अपने पूरे शबाब पर है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा की वस्तुएँ खरीद रहे हैं। यहाँ खरीदने के लायक अगर मैं बात कर दूँ तो क्या विशेष मिलता है, यहाँ पर मिट्टी से बने हुए बर्तन मृदभांड जो कि लगभग आज विलुप्त होने की कगार पे हैं वो आज भी यहाँ पर मिलते हैं। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त स्टील के, तांबे के, एल्यूमिनियम के बर्तन यहाँ पर मिलते हैं, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा के उपयोग की सभी वस्तुएं यहाँ पर मिल जाती, और विशेष बात ये बता दूं कि सोने चांदी के आभूषणों की अगर हम बात करें तो प्रायः लोग दुकानों से खरीदते हैं, लेकिन मेले के लिए एक विशेष आकर्षण लोगों में होता है क्योंकि यहाँ पर जमकर सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य चीज़ों की खरीदारी भी होती है, क्योंकि ये जो सीज़न होता है खरीफ की फसल आ जाने के बाद का समय होता है और प्रायः हर किसान के पास आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं सदाम्भोदिवासं गलत्पुष्पहासम् जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं प्रसत्तीतवस्त्रं हसच्चारुवक्रं भजे ृतानेकरूपं भजे भजे जराजन्महीनं परानन्दहीनं समाधानहीनं सदैवानहीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजे भजे विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगत्त्रिक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहं समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्वैम्बलेशं हृदाकाशवेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं mm-hmm.
सुगा मन भरी माया फुल्छ त्यही बेला मन भरी गुल मिलानी हो बटोली की मायालाई गुल मिलानी हो रुरुरा रेसुङ्गा घुम्न जानी हो रेसुङ्गा मन भरी माया फुल्छ त्यही बेला मन भरी गुल मिलानी हो। दुनिया में देश कई में देश है एक और उस देश का नाम है भारत 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 हमारा भारत तुम्हारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत प्यारा भारत हमारा भारत तुम्हारा भारत। भारत देश में गांव कई में गांव है एक अपने गांव के लोग हैं नेक लोगों के सीने में रहता है दिल और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल क्या कहता है दिल राम जी आहा ला 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 आहा मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर जाना ही है सबको क्यों आते हैं मुसाफिर मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है आ, 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 आ,
हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़े खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चल गए जो ये बहार, लौट के न आएंगे गुजरी बहार। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है बहार जाती है बहार, जाना ही है उनको क्यों आती है बहार। ना कर तू ना दानी, बार बार नहीं आनी ये पल भर की जवानी। मेला जवानी का, मेला जवानी का आता है एक बार, आके चला जाता है। Zare ga ma ga re ga ma ga re da ne da pa ne zare ne zare ne zare baniye baniye kuch dil ki sun baniye bas lot na kin baniye। पास नहीं हो जिसके वो क्या देखेगा मेला, वो क्या देखेगा मेला। दुख दूर करूं मैं उसका, इस गांव में हो जो दुखिया, हर दुख की दवा रखता हूँ, कहते हैं मुझको मुखिया, कहते हैं मुझको मुखिया। पीछे दिल रख देंगे हम अपना तेरे कदमों के नीचे। मेला मोहब्बत का, मेला मोहब्बत का आता है एक बार, आके चला जाता है। पूरा मेला घूमने के बाद हमें एक भाई साहब मिले हैं जो इसी स्थानीय हैं, और वो हमें इस मेले के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं इनसे। नमस्कार जी, मैं सत्य दर्पण से महेंद्र सिंह नायक हूँ, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम है सुरेश कुमार यादव, ग्राम पंचायत भजिया, ये पास में पड़ता है अपने दादा महाराज के पास ही में है, 1.5 किलोमीटर दूर है अपना गाँव। और मैं वन विभाग से, मतलब ग्राम समिति से, वन विभाग से अध्यक्ष हूँ। तो अध्यक्ष जी ये बताइए कि ये मेला कब से लग रहा है? मेला सर मेरे को भी मालूम नहीं है, मेरी जन्मतिथि से, मतलब मेरे को जन्म यहाँ हुआ है जब से मेरे को मालूम नहीं है कि मेला कब से लग रहा है। पहले लगता था 4 दिन का मेला इधर, अब मेला 15 दिन का हो चुका है सर। अच्छा, मतलब 4 दिन से लगते लगते आज ये 15 दिन का हो चुका है।
तो आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहाँ जो भगवान हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जी जी, मैं बचपन से देख रहा हूँ सर, पहले दादा विष्णु भगवान की मूर्ति तालाब के अंदर थी। मेरे दादा लोगों ने बताया कि दादा की मूर्ति, जब दादा को सपने आए, यहाँ दादा था नागदार, दादा रहते थे वहाँ, इनका मतलब यहाँ पर उनकी ड्यूटी थी भजिया बीट पे, भजिया बीट से फिर वो यहाँ रहने लगे, यहाँ से रहते रहते उनको सपना दिया दादाजी, फिर तालाब पे देखे खुदाई चल रही थी, खुदाई होने के बाद में दादाजी ने बोले कि मेरे को निकालो, तो वो आसपास खोदते रहे, खोदने के बाद में दादाजी ने ऑटोमेटिक, बहुत खमरिया गोसाई के लोग बाग आए, घोड़ा लेके आए, हाथी लेके आए दादाजी को ले जाने के लिए सर, फिर वहाँ से फिर क्या हुआ, दादाजी नहीं गए, फिर उन लोगों ने छोड़ दिए वहाँ पर, फिर दादाजी वहीं ऑटोमेटिक प्रकट हो गए, दादाजी थोड़े से दिख रहे थे, इसके बाद में 4 दिन बाद में परमात्मा की कृपा हुई, उनकी कृपा है वो प्राकृतिक शक्ति, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, योग नारायण श्री विष्णु की है। तो पहले यहाँ पर हमने सुना है कि पशु बलि की प्रथा चलती थी, तो क्या वो बलि देने की प्रथा आज भी चलती है, लोग बकरे मुर्गे चढ़ाते हैं, या फिर वो बंद हो गया है? सर यहाँ पर बंद हो चुका है, पहले चलता था सर, वो अब बंद हो गया है। अब क्या करते हैं लोग बाग, जैसे लाते भी हैं, जैसे मुर्गा लाते हैं तो मुर्गा बाहर से, उन लोगों ने चढ़ोतरी की बाहर से, मंदिर के पास नहीं जाते, जैसे मंदिर का गेट है, गेट के बाहर से उन लोगों ने अपना जैसा कार्यक्रम किए और बाहर जाके बनाते खाते हैं। अच्छा, मतलब अब यहाँ के केवल सात्विक पूजा होती है, जो नारियल प्रसाद होता है वही चढ़ाया जा रहा है। और इसके बारे में हमें ये बताइए कि मेला जो आयोजन होता है, तो इस मेले में क्या कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं, वो उसके बारे में बताइए। सर अभी तो मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, और चलने के साथ साथ में सर ये जो सुविधाएँ बनी थी पहले, पानी की सुविधाएं, मतलब दुकानदारों को पानी दिया जा रहा था, टैंकरों से पानी लगाया जा रहा था, अच्छी व्यवस्था बनी थी सर, अभी वो नहीं है उतनी। अच्छा, मतलब अभी व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं, तो व्यापारियों का या मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की तरफ से आपको कुछ समर्थन अच्छा खासा मिल पाता है? जी सर, अभी तो अच्छा मिलता है सर। तो जैसा कि भैया से हमारी बात हुई है, इन्होंने इस बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया है, हम आपको बता दें कि सिवनी ज़िले का सबसे बड़ा मेला ये होता है रिछारिया मेला। रिछारिया मेला न केवल सिवनी ज़िले का अपितु आसपास के जो नज़दीकी राज्य हैं, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और आसपास के अन्य राज्यों के लोगों के लिए ये प्रतिनिधित्व का काम करता है। रिछारिया मेला एक प्रतिनिधि मेला है, और इस क्षेत्र में वैसे मेले की परंपरा काफ़ी कम है सिवनी ज़िले में, यहाँ पर मड़ई की विशेष परंपरा है। यहाँ पर दीपावली के बाद से लेकर अगले 1.5-2 माह तक लगातार मड़ई मेलों का दौर चलता है। उसमें मेले की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ा मेला ये रिछारिया मेला होता है, ये ग्राम पंचायत ग्वारी के अंतर्गत विकासखंड धनौरा जिला सिवनी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद एक और मेला हमारे यहाँ भरता है सिवनी ज़िले में, वो होता है साणदेव का मेला, वो ग्राम बिजौरी में पड़ता है जो सिवनी ज़िले की आखिरी बॉर्डर है, वहाँ से छिंदवाड़ा ज़िला शुरू होता है, वहाँ पर ग्राम बिजौरी में मेला भरता साणदेव का। लेकिन उस मेले का स्वरूप इससे कुछ छोटा होता है, इस मेले का स्वरूप काफ़ी व्यापक होता है, और ये मेला केवल व्यापार के उद्देश्य से नहीं है, इस मेले का आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक महत्व भी। रिछारिया का मेला जो हमने आपको दिखाया है, इसकी शुरुआत की थी हमने ग्राम धूमा से हम चले थे कहानी की ओर 20 किलोमीटर, और कहानी के बाद हम चलते आए थे लगभग 12-13 किलोमीटर, उसके बाद हमें मिला था ग्राम ग्वारी। ग्राम पंचायत ग्वारी के अंतर्गत ये जो है मेला पड़ता है, और वहाँ से हम मेला तक आए थे और मेला हमने आपको पूरा दिखाया है। आशा है कि आपको सत्य दर्पण की ये जो है खोज पसंद आई होगी, तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ सत्य दर्पण के साथ में, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कीजिए थोड़ा सा शेयर, ताकि अधिकतम लोगों तक ये बात पहुंच सके कि यहाँ पर मेले कैसे होते हैं, सिवनी ज़िले का जनजीवन कैसा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ सत्य दर्पण के साथ।